शिवपुरी के भामौर कला में पार्श्वनाथ जैन मंदिर में मुनीश्वरी सरल सागर महाराज का भव्य पिच्छी का परिवर्तन संपन्न हुआ। इस अवसर पर पुरानी पिच्छी लेने का सौभाग्य मुकेश जैन चौधरी को प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नवेंद्र जैन भोपाल ने किया। मुनीश्वरी सरल सागर महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि श्लोकनाथ ग्रंथ में साधुओं के लिए मोर के पंखों को ग्रहण करने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि साधु अचौरी महाव्रतधारी होते हैं और अतताया दानो मिष्टयम बिना दी गई चीजों को ग्रहण करना चोरी कहलाता है, लेकिन पूज्यपाद आचार्य ने अपवाद मार्ग निकला है जिसमें मुनियों को छूट दी है स्वेच्छा से छोड़े गए पंखों को ग्रहण करने में। आज भामौर कला में सानंद संपन्न हुआ जिसमें तमाम जगहों से भक्तगण पधारे और जिसका आज का संचालन हमारे सुप्रसिद्ध ख्याति प्राप्त चिकित्सक हमारे गांव के गौरव डॉक्टर नरेंद्र जी ने आज के कार्यक्रम का संचालन किया, जिसमें उपस्थिति रही हमारी समाज की एक और गौरव वर्षा दीदी और ब्रह्मचारी संजय भैया जी, जिनके सानिध्य में आज का पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें जैसा कि महामंत्री जी ने बताया है कि हम बहुत आह्लादित हैं आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम को संपन्न करा करके, जिसमें हमारे श्रावक श्रेष्ठी मुकेश भाई चौधरी जी को जो पुरानी पिच्छिका लेने का गौरव प्राप्त हुआ है, हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद रखते हैं कि वो गुरु श्री से समर्पित रहेंगे। ये पिछली प्रदर्शन कार्यक्रम हुआ, इसमें सरल सागर महाराज जी ने चतुर्माह चल रहा था चार माह से, उसमें आज कार्यक्रम पिछली का परिवर्तन का हुआ, इससे आज चतुर्माह समापन हुआ और महाराज श्री ने अपने श्रावक श्री मुकेश कुमार जी चौधरी को पिछली दी, जिन्होंने चार महीने लगातार तन मन धन से सेवा की, सुबह से शाम तक रात दिन एक करके महाराज श्री की स्वस्थ की आहार चर्या की पूरी व्यवस्था की और उनके लिए पिछली का उसके लिए बहुत बहुत बधाई।